हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे देखो, मामी आ गई हैं और बहुत ज़्यादा हो गई थी परेशान, तो अप्लीकेशन दे के आई हैं। और तो चलिए फिर अभी हम आपको पूरी बात बताते हैं। गाइस, मामी हमारी आ गई हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा है, शाम के टाइम आई हुई हैं और देखते हैं, मिलते हैं, चलते हैं, मामी का हाल चाल लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। और सुबह से मेरी आंखें इतना मतलब खुजली कर रही हैं, मुझे डर लग रहा था कि, लेकिन मैंने नीम की पत्ती से धुलाई की है, नीम की पत्ती से थोड़ा सा आराम मिल गया। मम्मी आराम कर रही हैं। तो मामी आते ही लेट गए क्योंकि वो सुबह की निकली हुई थी और जीजू ने मामी को भी बहुत मारा है, नोचा था। और तो अभी मामी खुद ही बताएंगी और अप्लीकेशन अभी हम देखते हैं कि क्या मामी ने मतलब क्या बात हुई क्या नहीं। और मामी देख सकते हो उनकी आँख में भी दर्द हो रहा है, तो उनकी आँख भी नहीं खुल रही है। और यहाँ पे बता रही थी कि सब निशान पड़े हुए थे, मिट गए हैं। और क्योंकि मामी 2-2.5 महीने से ही दीदी के पास रह रही हैं, तो यहाँ पे मामी कुछ खाने पीने ना लेके आई थी। और ये किस किस को पसंद है, इसका नाम मैं भूल गई हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और ये मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, चावल के होते हैं। तो इधर मम्मी से वही सारी बात बता रही थी मामी की, क्या क्या हुआ है दीदी का, जीजू ने रात में गला दबा दिया था तो मामी ने छुटाया, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था दीदी के साथ में। और क्योंकि गला दबाने का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जान भी जा सकती थी दीदी की, तो जीजू ना बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए अप्लीकेशन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और तो वही मैं यहाँ पे एंजॉय कर कर के खा रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितने मुझे पसंद है। फिर मम्मी यहाँ पे एप्लीकेशन देख रही हैं और मामी भी यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगी, फिर कॉलोनी चली जाएंगी क्योंकि 2.5 महीने से उनका बंद है कमरा, तो वहाँ भी उनको देखना है। इस वजह से कह रही थी थोड़ी देर हम यहाँ रुकेंगे फिर चले जाएंगे। तो तब तक चाय बना रही हैं भाभी, चाय वाय पियेंगी उसके बाद ही जाएंगी। तो देखो कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं चलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या समझौता होता है, और मतलब सबकी जान का खतरा है। मामी भी खुद बताएंगी कि उनको किस तरीके से जीजू ने परेशान किया है, किस तरीके से नहीं। और यहाँ तक मामी ने उनको 5-6 लाख रुपए भी जीजू को दिए थे और तब भी वो उनकी सेवा नहीं करते हैं। यहाँ मामी अनिका को रुपए दे रही हैं, कह रही हैं लो चिज्जी ले लेना जाके। और मामी हमारी बहुत ही अच्छी हैं सच में, भगवान ने उनको इतनी परेशानी क्यों दे दी, भगवान करे वो जल्दी से इस परेशानी से निकल पाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। जो इंसान झेलता है ना वही समझ सकता है, पूरी लाइफ उनकी झेलते ही झेलते निकल गई है और अभी भी वो झेल ही रही हैं। ये रही एप्लीकेशन। तो गाइस, ये मामी ने एप्लीकेशन दिया हुआ है और इसमें सब वही विवाद, जो मार पीट लड़ाई झगड़ा करते हैं ना जीजू, तो मैं तो जीजू ही बोलूंगी ना, जीजू है जीजू कितने प्यार से बोले, दीदी पीट रहे दना दन तुम जीजू पीट रहे तो क्या हुआ, जो रिश्ता है वो थोड़ी ना बदलेगा ना, अब क्या कर सकते हैं। काटिंग को है तो इसमें वही सब लड़ाई झगड़े के बारे में लिखा हुआ है, मामी ने जितने जीजू को पैसे दिए हैं उसे सब बारे में लिखा हुआ है, और जो मारते पीटते हैं मामी के हस्बैंड के जाने के बाद, मामी को जितना पैसा मिला है, जितने भी 5 लाख 6 लाख वो सब जीजू को दे दिए थे। तो जीजू ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वही सब देख के फिर अब उनका पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से माइंड इतना क्यों चेंज हो गया है कि वो इतना मतलब आतंक करने लग गए हैं, आतंकी बोलेंगे, इतना मारते पीटते हैं, दारू भी पीते हैं और बच्चों को भी परेशान करते हैं, दीदी को भी परेशान करते हैं, तभी ये मतलब एप्लीकेशन दिया था ताकि। तो मामी ने ना मामा के जाने के बाद मामी को ना कुछ पैसे मिले थे, मतलब 5-6-7 लाख रुपए मिले थे, वो जीजू को दे दिए थे। तो जीजू ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर पता नहीं बीच में क्या हुआ जो जीजू एकदम से इतना बदल गए, दारू पीते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं और दीदी को भी मारते पीटते हैं। तो इसीलिए मामी ने एप्लीकेशन दे दिया है और इसमें यही सब लिखा हुआ है कि मामी अकेली हैं, अब उनको सेवा करनी चाहिए ना, मामी की भी देखभाल करनी चाहिए, बच्चों की भी करना चाहिए, इतना मतलब उन्होंने हेल्प किया, पैसे दिए, अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, उसी के जरिए वो मतलब कमा रहे हैं, बच्चों के मतलब फैमिली भी देख रहे हैं, तो मामी को भी देखना चाहिए ना उनको।
और यही सब लिखा हुआ है, वही मामी दिखा रही, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मतलब दिखा देती हूँ भाई, क्योंकि सभी लोग मामी के बारे में पूछ रहे थे। हाँ आप लोग पूछ रहे थे, इसीलिए हमने सोचा कि आपको दिखा दो। मामी भी आ गई हैं, पीछे बैठी हुई हैं। और मामी को खूब मार रहा है। मामी मामी ठीक हो? ठीक है दीदी, सब ठीक है? तो एप्लीकेशन दे दियो। हाँ। तो अब रुकी होगी, चली जी कल चली जी कहे निकली कै बजे रहो? जाम बहुत लगे। तो तुमको मारी ना जीजा? उनका उल्टा कई दिन मोड़ नीचे पर ऊपर। हाँ पकौड़ा क्या नहीं, तुरंत खाना खा रहे खाना पैर रख देंगे। तो जब से एप्लीकेशन दिया तब से तो ना मारत है? हाँ मारत का खूब गाली दे दी गुड़िया का कहीं। और तुम्हारे नोच लेन ना है? है बन नोच चुके हैं। चलो कोई नहीं गाइस, अगर वो दीदी पे अगर कोई मतलब ऐसा कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उन पे कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई की जाएगी। इस एप्लीकेशन में ऐसा लिखा हुआ है, तो मामी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप देखभाल करो दीदी की, बाकी तो जो होगा आप तो खुद ही कर लेंगे, पुलिस वाले खुद कर लेंगे। तो गाइस जैसे आप लोगों ने देखा, मामी ने एप्लीकेशन दे दिया है और मामी को भी मारा है, और मामी बता रही थी कि हम खाना खाते हैं तो उसमें पैर रख देते हैं। जीजू मतलब जीजू की बहुत ज़्यादा हरकतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, और दीदी को आज से नहीं 2 साल से लगभग मार रहे हैं। आज कोई नया नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही था, लेकिन 2 साल से दीदी मतलब वेट कर रही थी कि आज नहीं कल सही हो जाएगा, कल नहीं परसों सही हो जाएगा, क्योंकि हर लड़की मतलब मौका देती, इतनी जल्दी अपना रिश्ता नहीं ख़राब करती। इसी तरीके से दीदी भी थी, वो अपना नहीं ख़राब करना चाह रही थी, लेकिन जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना, और जब हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं कोई चीज़ को, तभी आगे कदम बढ़ाते हैं। कदम बढ़ाना भी ज़रूरी था, तो अभी मामी ने एप्लीकेशन दिया है, क्योंकि मामी ने कम से कम, मामी कितने लाख रुपए दी थी जीजू को? 7 लाख लिखा हुआ है। 7 लाख रुपए मामी ने दिए थे, वो हम आपको बताएंगे बाद में। तो वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन में, तो देखो अब होता क्या है क्या नहीं। चलिए फिर बने रहे, भी मामी तो बैठी हुई हैं, पूजा एप्लीकेशन 1 घंटे से पढ़ रही हैं क्या लिखा क्या नहीं लिखा। मैंने एक बार पढ़ लिया है। चलिए फिर बैठते हैं, मामी फ़ोन मिलाने जा रही है। मामी कल चली भी जाएंगी, रुकेंगी नहीं, क्योंकि उनको दीदी की चिंता है। बोल रही थी कि रात रात को हम देखते हैं, क्योंकि जीजू पूरी पूरी रात चला करते हैं, लेटते नहीं है ना, गला दबाते हैं। हाँ गला दबा देते, इसलिए मामी जगती हैं, रक्षा करती हैं ना, माँ दीदी के देखभाल बच्चों के करती हैं, दीदी की रक्षा कवच बन के वहाँ रख रही हैं। और सही भी है, क्योंकि वो नशे में पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कुछ भी कर सकते। हाँ सुना आप लोगों ने, अपने लड़के ही गला दबा रहे थे, यानी कि अपने लड़के कृष्णा का, वो 10 साल का है भैया, उसका गला दबा रहे थे जीजू। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, बेटी है 12 साल का है, 12 साल का 10-12 साल का भैया है दीदी का, तो भरोसा नहीं है यार, कब कब क्या कर दे है ना। तो दीदी को मारते हैं तो बच्चे पानी डालते हैं ताकि वो क्या करें, बचाते हैं जितना हो सकता है ना बच्चों से, उतना करते हैं। मैंने वीडियो में देखा है ना, तो छोटा वाला जो भैया है वो पानी डालता है, पानी दीदी को परेशान करने लगते हैं, तो वो पानी डालता है ताकि ये भाग जाए। तो छोटा बच्चों को जितनी समझ है उतना करते हैं, सोचते हैं पानी पापा पे डालेंगे तो मम्मी को छोड़ देंगे, वो चीजें हैं। तो चलिए फिर बने रहिए आप लोग, बाद में बताते हैं। आ रही हैं कॉलोनी और 1-1.5 घंटा रुकी हैं, कह रही हैं कि इतने दिन हो गए हैं का घर पे नहीं गए हैं, तो वहाँ पे रुकेंगी, फिर सुबह फिर चली जाएंगी। ये देखो चलिए मामी को छोड़ने चलते हैं कॉलोनी।
तो यहाँ पे जा रही है मामी अपने कॉलोनी, मम्मी छोड़ने जा रही है, मैं भी जा रही हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी मामी की, प्लीज़ हेल्प करो। चलिए फिर।